conductors and insulators. Some substances readily allow the passage of electricity through them, others do not. Those which allow electricity to pass through them easily are called conductors. तो कंडक्टर का एग्जाम्पल हम लोग को पता ही है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स. एंड इंसुलेटर में हो गया वुड, प्लास्टिक, रबर, कॉटन, ये सब इंसुलेटर है विच डज नॉट अलाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू देम. ओके, सो दे हैव इलेक्ट्रिकल चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल. तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ, ड्यू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज इन द अर्थ आर कंडक्टर्स. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्शियलिन, प्लास्टिक, नायलन, वुड ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. मोस्ट सब्सटेंसेस फॉल इनटू वन ऑफ द टू क्लासेस स्टेटेड अबव. व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू अ कंडक्टर, इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेना, लेट अस से कि एक हम लोगों ने लिया है कंडक्टिंग स्फीयर. क्या लिया है? कंडक्टिंग स्फीयर. ठीक है, अब ये हो सकता है कि सॉलिड भी हो या फिर दिस इज हॉलो ऑल्सो. अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक जगह चार्ज दिया प्लस क्यू, तो ये चार्ज जो है यहाँ पे लोकलाइज्ड नहीं रहेगा, ये चार्ज जो है स्प्रेड आउट हो जाता है. क्लियर है क्या? दिस चार्ज गेट्स स्प्रेड आउट. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट इफ सम चार्ज इज पुट इन इंसुलेटर, इट स्टेज एट द सेम प्लेस. लेकिन वही अगर हम लोग इंसुलेटर है, ये क्या है? ये था कंडक्टर. ठीक है, लेकिन वही अगर ये इंसुलेटर रहता, क्या रहता? अगर ये इंसुलेटर रहता तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे डाला है प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो एक घंटे के बाद भी ये यहीं रहेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा. It doesn't get distributed. You will learn why this happens in the next chapter. ठीक है, चलिए इसको draw कर लीजिए. ठीक है, इसका use क्या, देखिए ध्यान से. ये क्योंकि spread out हो गया है तो अंदर में कहीं पे भी जाइएगा तो इसके कारण field इधर होगा, इसके कारण field इधर होगा. देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण फील्ड इधर है, ये इधर वाले पॉजिटिव के कारण इधर फील्ड, इधर वाले के कारण इधर फील्ड. तो यहाँ पे एक्चुअली फील्ड जो है ज़ीरो हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये स्प्रेड आउट हो जाता है. बिकॉज वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ना, तो चार्ज प्रोड्यूसेस फील्ड्स. सो पर यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि यहीं पे लोकलाइज्ड रहता है इसीलिए यहाँ पे There is field. इसके इसमें अंदर में field is zero, electric field is zero, लेकिन इसके अंदर में electric field is not zero. ठीक है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसका usage जो है बहुत ही important है. Okay. So you learn why this happens in the next chapter. This property of the materials tells you why a nylon or plastic cob gets electrified on combing dry hair on rubbing. This property of the material tells you why a nylon or plastic cob
gets electrified on combing dry hair or on rubbing. But ठीक है, तो नायलन और प्लास्टिक कॉम क्या हो जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन टूट के आया या कुछ भी हुआ, क्योंकि ये जो है इंसुलेटर है, इसीलिए इस पे चार्ज रह जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो चार्ज्ड हो गया ना. बट अ मेटल आर्टिकल लाइक स्पून डज नॉट. द चार्जेस ऑन मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी टू द ग्राउंड एज बोथ आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. However, if a metal rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows signs of charging. ठीक है, तो जो है, so therefore we can write here that if we have an insulator, okay, and if it is charged, so it remains charged only. लेकिन अगर conductor है और इसको आपने क्या किया है, इसको आपने चार्ज किया है, लेकिन फिर आप इसको छू लिए या फिर इसको ग्राउंड में सटा दिए, तो क्या हो जाएगा, चार्ज फ्लोज. ओके, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्चार्ज्ड या फिर अनचार्ज्ड. क्लियर है क्या? बट इंसुलेटर इफ वंस इट इज गिवन चार्ज इट रिमेन्स. नेक्स्ट, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, एंड देयर इफेक्ट्स टेंड टू कैंसिल ईच अदर. हियर वी शैल नाउ डिस्क्राइब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज. इफ द साइज ऑफ द चार्ज बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंसेस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज पॉइंट चार्जेस. क्या है, देखिए ध्यान से, ये है एक चार्ज्ड पार्टिकल. क्लियर है? अब इसका कुछ तो रेडियस होगा आर, और ये स्थित है डिस्टेंस डी पे दूसरे चार्ज्ड पार्टिकल से. ठीक है, इसका अगर रेडियस आर वन है, इसका रेडियस हो गया आर टू. इफ डी इज ग्रेटर देन आर वन, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर टू. ठीक है, मतलब क्या है, d क्या हो गया, सेपरेशन, और r1 क्या है, साइज ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल. ठीक है, तो जब ये ग्रेटर हो जाएगा, सो व्हाट वी कैन डू इट, वी कैन अज्यूम, क्या अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, वी कैन अज्यूम ए एंड बी टू बी पॉइंट मासेस, ए एंड बी can be assumed to be point masses. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. पॉइंट मासेस लिखा मैंने, हाँ जी, पॉइंट मासेस विच कंटेन्स चार्ज, देयरफॉर इट इज पॉइंट चार्जेस. हाँ जी बोलिए, क्यों, एक्चुअली स्पीकिंग क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये है, ठीक है ना. अब इसमें जो है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर है क्या, सर ना, और यहां पे कोई एक और चार्ज पार्टिकल है, तो देखिए ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, अलग अलग लगाएगा, तो एक्चुअली अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड है ये, सॉरी, क्योंकि सब जगह से लग रहा है ना, लेकिन अगर आप इसको सिंपली छोटू सा ले लिए
तो क्या है, केवल फोर्स ऐसे ही लग रहा है। अरे सच में, क्योंकि चार्ज तो अब इसमें है ना, जैसे कि एक कंडक्टर है तो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यस और नो, ठीक है ना। लेकिन जब हमको ऑलरेडी पता है कि दिस डिस्टेंस डी इज मच मच ग्रेटर देन आर, सो देयर फॉर वी कैन अज्यूम दिस, सो बोथ हैज पॉइंट चार्जेस। क्लियर है, यस और नो? ओके, गोइंग एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, वी हैव नॉट एज येट गिवन अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज, वी शैल फॉलो इट अप इन द नेक्स्ट सेक्शन। वी शैल टेंटेटिवली अज्यूम दैट दिस कैन बी डन एंड प्रोसीड इफ अ सिस्टम कंटेन्स टू चार्जेस। ठीक है, सिस्टम के पास क्या है भैया, दो चार्ज है। कौन कौन सा चार्ज है? Q1 एंड Q2। द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग अल्जेब्रिकली Q1 एंड Q2, दोनों को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। दैट इज चार्जेस एड अप लाइक रियल नंबर्स और दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ ए बॉडी। If the system contains n charges Q1, Q2, Q3 till Qn, then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 till Qn. Clear है क्या? Charge has magnitude but it doesn't have any direction, similar to mass. However, there is one difference between mass and charge. Mass of a body is always positive, where charge can be either positive or negative. Obvious चीजें हैं। Proper signs have to be used while adding the charges in a system. For example, the total charge of a system which is containing five charges plus 1 plus 2 minus 3 plus 4 and minus 5 in some arbitrary unit. तो unit तो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, वैसे unit तो कूलम होता है, ठीक है। तो कोई सा भी unit हो तो आप क्या कर सकते हैं भैया, add कर दीजिए उसको algebraically. That means take care of positive and negative and add them simply. So plus 1, plus 2, plus minus 3, plus 4, minus 5. So, kitna ho gaya? It's minus 1. Clear? Sorry. Charge is conserved. Charge is conserved. ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, वी ऑलरेडी हिंटेड टू द फैक्ट दैट व्हेन बॉडीज आर चार्ज्ड बाय रबिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, नो न्यू चार्जेस आर ईदर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा है तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा करके विलुप्त हो गया, ठीक है ना। पॉजिटिव था अगर तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के जीरो बना दिया और इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ऐसा नहीं होता है। What happens is that the charges are neither created nor they are destroyed. A picture of particles of electric charge enables us to understand the idea of the conservation of charge. When we rub two bodies, what one body gains in charge, the other body loses. Within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interactions among the bodies, charges may get redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved. ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है एक बॉडी है, सो दिस इज बॉडी ए, क्लियर है, दिस इज बॉडी बी, कोई दिक्कत? इसके पास जो है प्लस फाइव यूनिट्स ऑफ चार्ज, इसके पास क्या है माइनस थ्री यूनिट्स ऑफ चार्ज, कोई दिक्कत? अब मानिए कि जो है ना, इधर से इधर चला गया टू यूनिट्स ऑफ चार्ज, यस और नो? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस थ्री, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन, यस और नो? ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज अभी भी सेम है, टोटल चार्ज कितना था, प्लस फाइव माइनस थ्री इज टू, प्लस थ्री माइनस वन इज अगेन टू,
मानिए कि इधर से और 2 चला गया इधर, तो ये हो जाएगा प्लस 1 और ये इधर हो गया प्लस 1। अभी भी देखिए ध्यान से 2 ही, क्लियर है क्या? तो टोटल चार्ज इज ऑलवेज सेम, यस और नो? टोटल चार्ज जो है क्या है, ध्यान से देखिए, दिस इज कांस्टेंट। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अच्छा, अब एक चीज और समझो कि हम लोग अगर बाहर से कोई इस पे चार्ज दे दिए, मानिए कि इसको दे दिए अगर हम लोग प्लस 1 चार्ज दे दिए, तब तो बढ़ जाएगा ना, यस और नो? तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट वहां पे टर्म लिखा हुआ है कि दिस सिस्टम इज, कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? लोनली। यही दोनों है, केवल अकेला है, ठीक है ना? इसको बाकी कहीं से भी ये ना तो चार्ज दे सकता है ना चार्ज ले सकता है। सो देयरफॉर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कोई दिक्कत, ठीक है? सो देयरफॉर द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली। इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरीड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स मे बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस। तो हो सकता है कि चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स को हम लोग जो है लाइक क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो नेट चार्ज है वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो है टूट जाता है किसमें, प्रोटॉन में, क्लियर है क्या? तो जब ये प्रोटॉन में टूटता है तो साथ में क्या भैया, एक इलेक्ट्रॉन भी बनाएगा, ये समझ लो, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज है, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज है, तो इधर एक माइनस भी आएगा। तो देखिए ध्यान से, टोटल चार्ज पहले भी जीरो था, टोटल चार्ज बाद में भी जीरो है। तो ऑल्दो ये चार्ज पार्टिकल टूट गया, लेकिन नेट चार्ज जितना है उतना ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट, ओके ओके ओके, समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन दस क्रिएटेड हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एंड द टोटल चार्ज इज जीरो बिफोर और आफ्टर द क्रिएशन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई स्मॉल ई। दस चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू एनी वेयर एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन क्या बोलता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टेल्स अस दैट जो भी चार्ज है, ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ठीक है, दिस इज अ बॉडी, तो इस पे जो है आप इसको अगर चार्ज करना है तो इसको कैसे चार्ज करोगे? या तो आप प्रोटॉन दे सकते हैं या तो आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना। प्रोटॉन पे भी यही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव रहता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहता है। तो देयरफॉर अगर आप चाहो कि मेरे पास ऐसा कोई चार्ज हो जाए जो कि 0.8 × 10⁻¹⁹ कूलम है, तो ये नहीं हो पाए, ठीक है। तो मानिए कि आपके
आपने चार्ज दिया है, m इलेक्ट्रॉन्स दिया है और n प्रोटॉन्स दिया है, सो देयरफॉर चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू एन माइनस एम, क्योंकि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, सो देयरफॉर इसका सब्ट्रैक्शन भी जो है इंटीजर ही होगा। सो देयरफॉर ये जो इंटीजर है ना, दिस इंटीजर विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर, क्लियर है क्या? सो देयरफॉर द चार्ज कैन ओनली बी इन टर्म्स ऑफ दिस, इसको हम लोग बोलते हैं एन इंटू ई, ठीक है? वेर एन इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव, देयरफॉर चार्ज इन एन इलेक्ट्रॉन इज रिटन एज माइनस ई एंड दैट ऑन अ प्रोटॉन इज रिटन एज प्लस ई। द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इज टर्म्ड एज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज्ड। The quantization of charge was first suggested by the experimental law of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912. ठीक है, तो ये है quantization of charge, और ये किसने experimentally demonstrate किया था? Millikan ने, हालांकि ये discover हुआ था Faraday ने। In the international system of units, a unit of charge is called a coulomb. And this is denoted by the symbol C. A coulomb is defined in terms the unit of the electric current, which you are going to learn in a subsequent chapter. In terms of this definition, a coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ऐसा यूनिट को कूलम, ठीक है? ओके, in this system the value of the basic unit of charge is 1.602192 into 10 to the power minus 19 coulomb. Thus there are about 6 into 10 to the power 18 electrons in a charge of minus 1 coulomb. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो एक कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, जस्ट 1 से डिवाइड कर दीजिए, आपको ये सेम आंसर मिलेगा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम encountered and hence we use a smaller units that is micro coulomb or milli coulomb. Micro is 10 power minus 6, milli 10 power minus 3. If the protons and electrons are the only basic charges in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of E. Thus if a body contains n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge in the body is going to be this much. So since n1 and n2 are integers, their difference is also an integer. Thus the charge on any body is always an integral multiple of E and can be increased or decreased also in the steps of E. The step size E is however very small because at the macroscopic level we deal with the charges of few microcoulomb. At this scale the fact that charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible. In this respect the grainy nature of the charge is lost and it appears to be continuous. This situation can be compared with the geometrical concepts of points and lines. A dotted line viewed from a distance appears continuous to us, but is not continuous in reality, as many points very close to each other normally give an impression of a continuous line. तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया जो है चार्ज बेसिकली चार्ज जो है ना इट इज एन मल्टीपल्स ऑफ 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, ओके, और बिकॉज इट्स क्वाइट लेस, ठीक है, तो जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक प्रोटॉन है तो इसके ऊपर कितना चार्ज हुआ, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। दो प्रोटॉन है तो हुआ 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअली तो बहुत कम है ना, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि जो भी चार्ज का वैल्यू है दैट इज अवेलेबल, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है?
ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल वन डील्स विद द चार्जेस इट आर एनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ई। सिंस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड सेज 1 माइक्रो कूलम कंटेन समथिंग लाइक 10⁻³⁰ टाइम्स द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एट दिस स्केल द फैक्ट दैट चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन यूनिट्स ऑफ ई इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग दैट द चार्ज कैन टेक कंटिन्यूअस वैल्यूज। दस एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर्ड। However, at the microscopic level, the charges involved are of the orders of few tens or hundreds of E. That is, they can be counted, they appear in discrete lumps, and quantization of charge cannot be ignored. It is the magnitude of scale involved that is important. ठीक है, चलिए अभी एग्जाम्पल्स हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। तो एक बॉडी है ए, इधर से बॉडी बी में कितना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इन 1 सेकेंड। क्लियर है क्या ये सर? तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻¹ कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻¹ कूलम, इतना चार्ज जा रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। 1.6 इंटू 10⁻⁻¹ कूलम, तो देयरफॉर 1 कूलम चार्ज कितने सेकंड में जाएगा, 1 / 1.6 इंटू 10⁻⁻¹ सेकंड। क्लियर है क्या? तो क्या हो गया, 10⁻⁰ डिवाइडेड बाय 1.6 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको 10 / 1.6 कर लीजिए इंटू 10⁻⁹ सेकंड्स, 4 25 4, सो दिस इज 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकंड्स। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, है ना, ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, 6.25 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, ये मिनट हो गया, डिवाइड बाय 60 ये आवर हो गया, 24 ये हो गया एक दिन, इंटू 365 ये हो गया एक ईयर, क्योंकि 10⁻⁹ बहुत बड़ा क्वांटिटी है। ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है, कितना ईयर, ठीक है, तो इसीलिए देखिए इन्होंने ऐसे किया है, 365 24 60 इंटू 60 दैट इज 198 ईयर्स। ठीक है, अगर हर सेकेंड हम लोग 10⁻⁹ निकाल रहे हैं तब हम लोग कितना लगेगा, 198 साल लगेगा। ठीक है ना, तो इसका आप लोग इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि जो है एक कूलम, सबसे पहले बात, एक कूलम एक बड़ा क्वांटिटी है, ठीक है ना, और दूसरा चीज़ है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो अच्छा खासा बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया है, 250 ग्राम्स एज्यूम किया है, है ना, इन अ कप ऑफ वाटर, सो देयर इज 250 ग्राम्स। ठीक है, तो 18 होता है H2O, है कि नहीं, मॉलिकुलर वेट कितना हो गया, ये 16 और ये 1 × 2, तो कितना हो गया, ये 18 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 18 ग्राम H2O में कितना है, 18 × 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स हैं किसके, H2O के। यस और नो? अब एक मॉलिक्यूल H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, इसमें देखिए ध्यान से क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन जो है 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, हाइड्रोजन के पास क्या है, प्रोटॉन
एक इंटू दो, क्योंकि दो है ना, तो दो हो गया और इलेक्ट्रॉन भी हो गया दो। तो एक मॉलिक्यूल वाटर के पास 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब कि 250 ग्राम्स में कितना होगा, 250 ग्राम्स में, तो 18 ग्राम में अगर इतना है ना, तो सबसे पहले 18 ग्राम में देखिए इसको क्या कीजिए, है ना, एक मॉलिक्यूल H2O में 10 है, ठीक है ना, तो हो गया 18 नहीं होगा, ये 6.023 होगा केवल, ठीक है, 18 नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो इसमें हो जाएगा 6.023 इंटू 10^23 इंटू 10 प्रोटॉन, और सेम चीज़ इलेक्ट्रॉन भी। क्लियर है क्या? तो चार्ज कितना हो गया, अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6.023 इंटू 10^23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। क्लियर है क्या? 6 इंटू 1.6 इज ऑलमोस्ट 9.6 इंटू 10^5 कूलम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी इतना ही। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, ये कितने में है, 18 ग्राम में है। क्लियर है क्या? अब 250 ग्राम में ये सेम चीज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250/18 इंटू 9.6 इंटू 10^5। क्लियर है? तो अब जो भी आएगा ना, यू गेट द आंसर। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे 1.34 आ रहा है, तो 250 यू नो 1.34 ऐसे ही कुछ आएगा। क्लियर है?